अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्लास फोर्थ है हमारी। VVS निकालो अपनी अपनी। पेज नंबर है 40। आज हम हैं पेज नंबर 46 पे। चैप्टर का नाम है सेफ ड्रिंकिंग वाटर। क्या है हमारा चैप्टर? सेफ ड्रिंकिंग वाटर, यानी कि हम अपने पीने के पानी को कैसे बचा सकते हैं, कैसे सेफ रखें। वाटर इज़ द मोस्ट कॉमन सब्सटेंस ऑन द अर्थ। 7th of the world's surface is covered by water. Water is also the most important substance on the earth. Without water, life would be impossible. तो क्या है कि बच्चों, पानी जो है, पानी हमारी ज़िंदगी के लिए बहुत ज़रूरी चीज़ है। हमें वाटर इज़ द मोस्ट कॉमन सब्सटेंस ऑन द अर्थ। पानी जो है वो एक बहुत ज़रूरी चीज़ है ज़मीन पे। जैसे यहाँ पे देखें क्या है, लैंड एंड वाटर पार्ट ऑफ द अर्थ। ये जो बनाई गई है तस्वीर, इसमें क्या है कि ज़मीन जो है, इतना हिस्सा इसका पानी का है और ये हिस्सा जो है इसका, ये खुश्की का है। यानी कि पानी ज़मीन पे ज़्यादा है, ज़्यादा 70% जो है वो दुनिया में क्या है, पानी है, और बाकी का क्या है, खुश्की है। यानी कि पानी 70% वर्ल्ड जो है वो पानी ने घेर के रखी है। वाटर इज आल्सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्सटेंस ऑन द अर्थ। लाइफ वुड बी, विदाउट वाटर लाइफ वुड बी इम्पॉसिबल। यानी कि पानी के बगैर हम जिंदा नहीं रह सकते। पानी बहुत ज़रूरी चीज़ है ज़मीन पे। तो यहाँ पे क्या है, पानी की एक और तस्वीर बनाई गई है, रिवर वाटर और सी वाटर। Life started in water and the bodies of all living things are mostly water. Water fills the seas and lakes. It flows in rivers and high mountains and polar region. It exists as snow or ice. In air, it is found in the form of vapor. Water vapors rises, it reaches in cold air high in the sky. It turns back into tiny drops of water which join to make clouds. The drops fall to ground as rain. तो ये पानी जो है, जो ये समुंदर हैं, दरिया हैं, बड़े बड़े पानी से भरे हुए झीलें हैं, तो ये क्या होता है, इनसे ये इनसे वाप उठते हैं, वाटर वेपर उठते हैं। ये जाते हैं कहाँ, हाई जगह पे, हाई जैसे माउंटेन पे, ठंडी जगह पे जाकर क्या करते हैं वहाँ पे। इट टर्न्स बैक इन टू एनी ड्रॉप्स ऑफ वाटर। तो ये जब वापस होते हैं ज़मीन पे, छोटे छोटे कतरों की शक्ल में वापस होकर ये क्लाउड्स, बादल बनते हैं, बादल में ज्वाइन करते हैं, तो उसके बाद छोटे कतरे गिरते हैं ज़मीन पर बारिश की सूरत में। सब पानी है जो हमें मुख्तलिफ शक्लों से दिखाई देता है और मिलता है। वाटर हेल्प्स प्लांट्स टू ग्रो। इट इज़ यूज्ड फॉर ड्रिंकिंग, वॉशिंग, कुकिंग एंड बाथिंग। अब पानी से हमें क्या होता है, पानी हमें किस किस में मदद देता है। एक तो मदद देता है ये पौधों के बढ़ने में, जब पौधे ग्रो करते हैं, पौधे उगते हैं, तो उसमें ये मदद देता है। और ये हमें इस्तेमाल होता है पीने के लिए, वॉशिंग धोने के लिए, कुकिंग खाना बनाने के लिए, और बाथिंग नहाने में हमें पानी की ज़रूरत पड़ती है। फॉर आवर डेली यूज वी गेट वाटर फ्रॉम लेक्स, स्ट्रीम्स, वेल्स और रिवर्स। वाटर ऑब्टेंड फ्रॉम दीज सोर्स मे नॉट टू बी प्योर। ये क्या आगे, ये क्या है, माउंटेन वाटर। ये जो पहाड़ों से पानी चलता है हमारे पास पहुँचता है, तो हम डेली यूज़ के लिए पानी कहाँ से हासिल करते हैं, झीलों से, टैंकों से, कौन से, वेल से और दरिया से। और पानी हमारी ज़रूरत के लिए बहुत, हमारी ज़िंदगी के लिए बहुत ज़रूरी चीज़ है। अच्छा बच्चों, इतना ही पढ़ते हैं। अल्लाह हाफिज़। फिर मिलेंगे अगले सबक में।